वेलकम टू नर्सिंग ओफिलिया। आई होप आपको पुरानी वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने पार्ट ऑफ सिरिंज बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कैनुला के बारे में। टाइप ऑफ कैनुला क्या होता है, कलर ऑफ कैनुला क्या होता है और आपका गेज ऑफ कैनुला क्या होता है, यूज ऑफ कैनुला क्या होता है। तो जैसे कि ये आपका कैनुला है, कैनुला इसके कितने नाम होते हैं। कैनुला के नाम की बात करें तो इसे आप आईवी कैनुला नाम से जानते हो, बेनफ्लो नाम से जानते हो और इसका एक और नाम होता है जिसे आप बोलते हो बीगो। ये आपका कैनुला के पार्ट की बात करें तो ये आपका कैप होता है जो व्हाइट कलर का होता है और ये जो आपका बाहर नीडिल होती है इसे स्टिलेट बोलते हैं और आपका जो ये बिंग्स लगे होते हैं इसे कैथेटर बिंग्स बोलते हैं। अब हम इसी कैनुला की बात करेंगे, यूज हम क्यों करते हैं, क्या पर्पज होता है किसी पेशेंट को कैनुला लगाने का। पहला, किसी पेशेंट को कैनुला लगाने का मेन पर्पज होता है आपका की फ्लूड रिप्लेसमेंट करने के लिए। किसी भी पेशेंट को फ्लूड देना है तो आपको कैनुला यूज करना पड़ेगा। दूसरा, इसका पर्पज होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। तीसरा, इसका पर्पज होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने में। और इसका चौथा जो पर्पज होता है, पैरेंटल न्यूट्रिशन देने में यूज किया जाता है। तो अब हम जानेंगे जो भी आप हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं किस किस कलर कोडिंग से कैनुला आते हैं। आपका जो मेडिकल में कैनुला आते हैं वो 8 टाइप के कैनुला आते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ऑरेंज कलर का कैनुला होता है, ग्रे कलर का कैनुला होता है, व्हाइट कलर का कैनुला होता है और ग्रीन कैनुला होता है। जो आपका ऑरेंज कलर का कैनुला होता है वो 14 गेज का होता है। 14 गेज का मतलब होता है साइज ऑफ कैनुला। जो 14 गेज का कैनुला होता है उसमें फ्लो रेट की बात करें, जब भी हम फ्लो रेट की बात करते हैं कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, फ्लो रेट मीन्स होता है एक कि कितना ml आपका फ्लूड जाएगा एक ml में। जो आपका 14 गेज का कैनुला होता है उसमें 270 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है। और दूसरा, जो हम ग्रे कैनुला की बात करेंगे, ग्रे कैनुला जो होता है आपका 16 गेज का कैनुला होता है। जो 16 गेज ऑफ कैनुला होता है वो आपका 236 ml होता है इसका फ्लो रेट। आपका जो ग्रे कैनुला के बाद हम बताएंगे व्हाइट कलर ऑफ कैनुला। व्हाइट कलर ऑफ कैनुला इट इज द 17 गेज ऑफ कैनुला। इसकी फ्लो रेट की बात करें तो इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 200 ml पर मिनट। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका ग्रीन कैनुला। जो ग्रीन कैनुला होता है वो आपका 18 कलर ऑफ कैनुला होता है। ग्रीन कैनुला का जो फ्लो होता है वो आपका होता है 103 ml पर मिनट। और ये जितने भी मैंने कैनुला की बात किया है, आपका 14 गेज कैनुला, 16 गेज कैनुला और 17 गेज कैनुला और 18 गेज कैनुला, ये मोस्टली आपका इमरजेंसी में यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रॉमा पेशेंट में और मेजर सर्जरी में और फ्लूड रिप्लेसमेंट में ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसका फ्लो रेट बहुत ही ज्यादा होता है। और स्पेशली हम बात करेंगे ग्रीन कैनुला की। जो आपका ग्रीन कैनुला होता है, हमेशा आपको याद रखना है, किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमेशा हमेशा यूज करना है आपको केवल ग्रीन कैनुला, जो आपका होता है 18 गॉज ऑफ कैनुला। इसका फ्लो रेट 103 ml पर मिनट होता है। अब हम नेक्स्ट कैनुला की बात करेंगे। नेक्स्ट कैनुला आपका होता है पिंक कलर ऑफ कैनुला। हमेशा याद में रखिए, जो कलर होता है आपका कैनुला का, ये आपके कैप के ऊपर कलर से इंडिकेट किया जाता है। अगर इसमें पिंक है तो इट इज द पिंक कलर ऑफ कैनुला। जो आपका पिंक कलर का कैनुला होता है ये 20 गॉज का होता है। इसकी फ्लो रेट की बात करेंगे तो ये आपका होता है 67 ml पर मिनट। नेक्स्ट आपके कैनुला होता है आपका 22 गेज। ये आपका होता है 22 गेज। कलर की बात करें तो ये आपका होता है ब्लू कलर ऑफ कैनुला। ये ब्लू कलर ऑफ कैनुला की बात करें तो इसकी फ्लो रेट होती है 42 ml पर मिनट। और ये जो आपकी दोनों कैनुला है, अभी जो मैंने बताया है आपका पिंक कलर एंड ब्लू कलर,
सर, ये दोनों कैनुला मोस्टली यूज किया जाता है एडल्ट पेशेंट में। जो हमेशा किसी पेशेंट को ड्रग देनी है, फ्लूड रिप्लेसमेंट करना है, तो ज्यादातर हम यही कैनुला का यूज करते हैं। आप पढ़ेंगे कि आपका जो चाइल्ड होते हैं उनमें कितने नंबर का कैनुला पड़ता है। पीडियाट्रिक में आपको ये 24 नंबर गेज का कैनुला होता है। इसमें टिप में ये जो होता है येलो कलर का बना होता है, ये येलो कलर इंडिकेट करता है। इसकी फ्लो रेट की बात करेंगे तो ये होता है आपका 13 ml/min इसका फ्लो रेट होता है। और आपको एक कैनुला और होता है जो आपका पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर वाला जो कैनुला होता है वो आपका होता है 26 गॉज का। जो आप इसकी फ्लो रेट की बात करेंगे तो ये आपका होता है 12 ml/min की फ्लो से इसका होता है। हमेशा याद रखेंगे, अगर आप चिल्ड्रेन को कैनुला एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे आपको 24 नंबर गेज की और 26 गेज की कैनुला का ही यूज करना है। क्योंकि हम बता दें यहीं पे गेज ऑफ कैनुला क्यों यूज कर रहे हैं। गेज ऑफ कैनुला का मतलब होता है अगर किसी का गेज जितना भी ज्यादा होगा उसकी नीडल की साइज उतनी ही कम होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 14 गेज ऑफ कैनुला का जो आपका नीडल की साइज होगी वो उतना ही ब्रॉड होगा, इसीलिए वहां पे हमने पढ़ा था 270 ml फ्लो रेट होता है। तो जैसे जैसे गेज का साइज कम होगा फ्लो रेट उसका उतना ही ज्यादा होता है। तो याद करने के पर्पस से हम बता सकते हैं आपके 8 टाइप का कैनुला होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग की बात करी, जो स्टार्टिंग होती है कैनुला की वो 14 गेज की होती है। कितने गेज की? 14 गेज की होती है। तो हमेशा आप इसमें 2+ करते चले जाइए, 14 गेज कैनुला, 16 गेज कैनुला, 18 गेज कैनुला एंड 20 गेज कैनुला, 22 गेज कैनुला एंड 24 गेज कैनुला एंड 26 गेज कैनुला। ये आपके 7 हो गए। अब आपका एक रिमेनिंग पार्ट पड़ता है जो आपका केवल 17 गेज वाला कैनुला आपको याद करना होता है। वो केवल व्हाइट कलर का होता है, वो 17 गेज का होता है। अदरवाइज ये सारे के सारे बहुत इजी ट्रिक है, आप हमेशा इसको याद कर सकते हैं। उसके बिंग्स के ऊपर जो भी कलर इंडिकेट करते रहते हैं वो उससे आप आसानी से इसको रिमाइंड कर सकते हैं और हमेशा याद कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।